Hello viewers, my name is Yash and you are watching Sportex. तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ प्लेयर्स के बारे में जिन्हें केकेआर की टीम रिटेन करेगी फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ आईपीएल। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसे लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले गाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि हम टोटल नंबर ऑफ 8 प्लेयर्स पिक करेंगे जिसमें जो टॉप 5 रहेंगे हमारे प्रायोरिटीज रहेंगे, जिसमें टॉप 3 इंडियंस रहेंगे और बॉटम 2 फॉरेनर्स रहेंगे। बाकी अदर 3 प्लेयर्स जो रहेंगे उन्हें हम बताएंगे कि या तो राइट टू मैच कार्ड या फिर एनी अदर सोर्स के थ्रू जो है रिटेन किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंडियंस से और यहाँ पे नंबर 1 पे दोस्तों मैंने रखा है आने वाला कल जो भारतीय टीम का है, इनका नाम है शुभमन गिल। अब आपको पता है इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है आईपीएल में एज ऑफ नाउ। अगर आप देखो तो अच्छे रन करके दिए इन्होंने, अच्छे बड़े हिट्स लगा सकते हैं, अच्छी लय में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं केकेआर के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी आने वाला कल है। तो ऐसे में जो है केकेआर की टीम इन्हें कहीं से भी नहीं जाने देगी और इन्हें फॉर श्योर रिटेन करेगी। सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों अनदर यंगस्टर लेफ्ट हैंड बैट्समैन नीतीश राणा। अब आपको पता है इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में आईपीएल में। हालांकि इंडिया टीम में तो नहीं आ पा रहे जस्ट बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही नहीं होती, बट स्टिल आईपीएल में जब जब मौका मिला तो अच्छा करके दिया। केकेआर के लिए बड़ी शॉट्स लगाते हैं, अच्छी क्षमता रखते हैं, तो इन्हें भी एज्यूम करना सही होगा कि केकेआर की टीम जो है फॉर श्योर रिटेन करेगी। थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है और यहाँ मैंने नाम रखा है वरुण चक्रवर्ती का। अब आप सबको पता है वरुण चक्रवर्ती कितने क्लोज थे इंडिया टीम के, इंजरी के चलते नहीं खेल पाए, बट स्टिल वरुण चक्रवर्ती ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उन्हें कुलदीप यादव से भी ऊपर होकर खिलाया जा रहा था। ये चीज कहीं ना कहीं शो करता है कि टीम बहुत ज्यादा फेथ रखती है में, और ऐसे में वरुण चक्रवर्ती को जो है फॉर श्योर रिटर्न करेगी केकेआर की टीम। अब बात कर लेते हैं टू फॉरेनर के बारे में। तो फॉरेनर में दोस्तों सबसे पहले मैंने रखा है केकेआर के प्रेजेंट कैप्टन इयान मॉर्गन को। अब आपको पता है कि बैटिंग कितनी अच्छी है, साथ साथ दोस्तों कैप्टनशिप की जब बात करते हैं तो केकेआर में अगर आप देखो तो वैसा कोई कैप्टन है जो लीड कर सकता है। शुभमन गिल बहुत छोटे हैं अभी, तो इस रोल को निभाने के लिए इयान मॉर्गन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वर्ल्ड कप जीता के आ रहे हैं ऑलरेडी इंग्लैंड को, तो ऐसे में फॉर श्योर जो है इन्हें रिटेन करेगी टीम और आगे देखें ये कैसा ये करेंगे। सेकंड नंबर पर बात करें दोस्तों स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल। हालांकि आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट होगा जैसे कि परफॉर्मेंस नहीं थी लास्ट सीजन में, अदर देन दैट गाइस इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न इनके लिए, बट स्टिल मुझे लगता है केकेआर की टीम इनको शो रिटेन करेगी, इन्हें नहीं जाने देगी इतना आसानी से। अब बात कर लेते 3 प्लेयर्स के बारे में जिन्हें रिटेन कर सकती है केकेआर की टीम यूजिंग द राइट टू मैच कार्ड या फिर एनी अदर सोर्स। तो यहाँ पे तीनों लाइन नाम्स भी जो रहेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने रखा है गाइस कुलदीप, आपको पता है इतना मौका इन्हें नहीं मिला लास्ट सीजन में, बट स्टिल मुझे लगता है कुलदीप यादव में बहुत बचा हुआ है क्रिकेट और वो ऐसे में जो है केकेआर के लिए बहुत ही वैल्यूबल एसेट कहीं ना कहीं है। तो केकेआर बड़ा दाव खेल के जो है इन्हें रख सकती है, एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है उन्हें मैचेस ना खिलाए बट स्टिल कोई और टीम के पास जाने ना दे, तो इस तरह से वो कुलदीप यादव को रिटेन कर सकती है। सेकंड नंबर पर बात करें दोस्तों तो आने वाले तेज गेंदबाज है इंडिया टीम के लिए और इनका नाम है कमलेश नगरकोटी। बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था अंडर 19 लेवल पे भी और लास्ट सीजन भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ होगा एज्यूम करना कि केकेआर इन्हें जो है फॉर श्योर रिटेन करेगी या तो राइट टू मैच कार्ड। यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टिल अनकैप्ड है, तो ऐसे में जो है इस चीज़ का बेनिफिट केकेआर को ज़रूर मिलेगा। थर्ड नंबर पर बात करें तो ये शॉकिंग हो सकता है आप सबके लिए बिकॉज यहाँ पे दिनेश कार्तिक नहीं है, यहाँ पे मैंने रखा है सुनील नारायण को। अब ये मिस्ट्री स्पिनर हालांकि बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज अब नहीं रह गए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है एक वैल्यूबल एसेट है जस्ट बिकॉज आपको ओपनिंग करके देते हैं मैचेज में और अच्छे स्कोर लगा सकते हैं पावर प्ले के टाइम में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल बनते हैं इस हिसाब से। और ये मुझे लगता है सेफ होगा बहुत ज़्यादा बोलना कि केकेआर की टीम जो है इन्हें नहीं जाने देगी और राइट टू मैच कार्ड फॉर श्योर इन पे यूज़ करेगी। तो दोस्तों ये है कुल 8 खिलाड़ी जिन्हें जो है केकेआर की टीम नहीं जाने देगी और फॉर श्योर रिटेन करेगी फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ आईपीएल। तो आपका क्या कहना है बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ साथ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।